दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। चौदह दिन से आंदोलनरत जो किसान है भारत के, हर जगह से आए हुए किसान, उन्होंने आज अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन है। अब ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में उतर गया है और इस राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में उन्होंने जो पहला ऐलान किया वो कि पूरी तरह तीनों कानूनों को सरकार रद्द करे। उनकी पहली मांग, पहला आह्वान जो शुरू से है उस पर आज भी कायम रहे। सरकार के जो लिखित कुछ आश्वासन आए थे आज, उनके जवाब में पूरे किसानों के नुमाइंदों ने बैठक की और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। दूसरा उन्होंने जो ऐलान किया है वो बहुत ही दूरगामी महत्व का है। उन्होंने कहा कि जितने देश के जिला हैं उनके सभी जिला मुख्यालयों पर सोमवार 14 तारीख को देशव्यापी मोर्चा लगाएगा किसान, और उसमें अपने समाज के सभी तबकों का आह्वान करेगा कि वो किसानों का साथ दें। तो देशव्यापी मोर्चा, देशव्यापी धरना प्रदर्शन 14 तारीख को, ये दूसरा। तीसरा जो उन्होंने कहा है वो तो बहुत ही मैं कहूंगा कि अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए कि ऐसा पहले किसी भी आंदोलनकारी ने, किसी आंदोलन के संगठन ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी तक ऐसा ऐलान नहीं किया था। और कॉरपोरेट और भारत सरकार यानी मौजूदा जो सत्ताधारी लोग हैं, कॉरपोरेट के साथ उनकी जो एकजुटता दिखती है, या यूं कहा जाए कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, लेकिन शायद कॉरपोरेट के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो उसी को देती है, उसी के कहने पर या उसी के एजेंडे के तहत काम करती है, ये एक इंप्रेशन लोगों पर लगातार पड़ता जा रहा है। तो आज एक बड़ा फैसला इस किसान आंदोलन ने किया है कि पूरे देश में वो जनता का आह्वान करते हैं कि जियो के जो प्रोडक्ट हैं उनका वो बहिष्कार करें। अब हम सब जानते हैं कि जियो अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा ये उसका एक प्रोडक्ट है, और जियो नाम से बहुत सारी चीजें हैं। इस समय एग्रो बिजनेस में भी वो लोग आ रहे हैं, मार्ट वगैरह बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर जियो के प्रोडक्ट या जियो के नाम पर चलने वाले जितने उपक्रम हैं व्यापारी, सबके बहिष्कार का ऐलान किया है किसान आंदोलन ने। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व घटना है भारत के इतिहास की। और चौथा जो उन्होंने कहा है कि जितने इस तरह के अड्डे हैं, इस तरह के बड़े कॉरपोरेट्स के, उन पर प्रदर्शन भी होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी के नेता मंत्री जहां भी दिखें उनका उनके सामने नारेबाजी की जाए, उनका घेराव किया जाए। छठा जो उन्होंने कहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे को 12 दिसंबर तक वो बंद करेंगे, और उसी दिन 12 तारीख को ही जितने टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करेंगे, यानी उस दिन वो फ्री कर देंगे। ये किसान आंदोलन के नेताओं ने एक स्वर में, चाहे वो पंजाब के किसान हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, या देश के किसी भी कोने के हों, सबके नुमाइंदों ने आज बैठक करके, बैठक के बाद जो एक कंसेंसस इमर्ज की उसके आधार पर उन्होंने भारत के प्रेस को बताया, ताकि भारत की जनता को ये जानकारी दी जा सके। इसके पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से किसानों को आज पहली दफा कागज पर लिखा हुआ एक प्रस्ताव भेजा गया। उस प्रस्ताव में जो चीजें कही गई थी उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो किसानों से 14 दिन के आंदोलन के शुरुआती दौर से ही किसानों को मौखिक तौर पे नहीं कही गई। एक भी ऐसी बात नहीं थी। पहले भी सरकार कह रही है, कहती आ रही है कि वो एमएसपी को
को जारी रखेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि मौखिक आश्वासन या लिखित आश्वासन का भी क्या मतलब है। जब तक कि कानून के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट न किया जाए, ये जो तीन कानून है। दूसरी बात कि हमने तो देखा है कि पार्लियामेंट में सरकार आश्वासन देती है और उनका भी पालन नहीं करती, और केवल इस सरकार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, पहले की सरकारें भी, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए पार्लियामेंट का और विधानमंडलों का, कई बार आश्वासन दिए जाते हैं और वो लागू नहीं किए जाते। तो किसान अगर कह रहे हैं कि कानून में शामिल करो कि एमएसपी जारी रहेगी, तो आखिर ये कौन सा गैरवाजिब है। दूसरी बात कि एपीएमसी और जो प्राइवेट मंडियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन में एकरूपता होगी, ये सरकार ने कहा, ये पहले भी वो कह रही थी। तीसरी बात कि किसान शिकायतों के लिए एसडीएम ही नहीं ट्रिब्यूनल और कोर्ट भी जा सकेंगे, ये एक नई बात कही सरकार ने। लेकिन किसानों का कहना था कि ये सब कुछ तभी संभव है जब आप उन कॉरपोरेट समर्थक, कॉरपोरेट पक्षी जो कानून है उनको आप निरस्त कर दें, तभी ये सब चीजें कारगर हो सकेंगी, वरना इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो जमीन है वो गिरवी नहीं रखी जा सकेगी, ये एक आश्वासन सरकार ने दिया। अब इस पर भी क्लियरिटी नहीं है कि ये क्या कानून में चेंजेज होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे। हाँ, ये बात उन्होंने कही कि FIR जो किसानों पर है वो वापस ले लेंगे, पराली और बिजली अध्यादेश वापस हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सरकार ने कही। तो वैसे भी हर आंदोलन के बाद FIR जो होते हैं वो वापस हो जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि FIR किए ही जाते हैं ताकि आंदोलन को और परेशान किया जा सके, आंदोलन में उतरने वाले लोगों को और ज्यादा, एक तरह से उनको और ज्यादा सप्रेस किया जा सके, उनको बेचैन किया जा सके। तो ये सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये जो आज ऐलान हुआ है सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे ये बात कह रहा हूं कि 14 दिन बहुत होता है जाड़े की रातों में, इन सर्द रातों में दिसंबर की, सड़क किनारे सोते हुए हजारों लोग, और उसमें भी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे के सारे। एक किसान की जो मौत हुई है वो तो उसकी उम्र बहुत कम है, जवान एक किसान है, उसकी मौत हुई है। आप इतनी ज्यादा कुर्बानी क्यों अपनी आवाम से ले रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, सरकार में आने के बाद अगर उनको चुनावी सफलता लगातार जब मिलने लगती है तो लगता है कि वो राजा बन गए हैं, और जनता जो उनको चुनने वाली है वो जनता ना होकर वो प्रजा हो गई है, यानी राजा और प्रजा जैसा रिश्ता बन गया है। आज का ये ऐलान मैं समझता हूं कि केवल इस किसान आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्भुत घटना है। मैं नहीं जानता कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह जो परिघटना है, सरकार के अंदर जो एक अहंकार है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव न समझना बल्कि राजा समझना और आवाम को प्रजा समझना, जैसे लगता है कि वो आपके रहमो करम पर है, आप जैसे चाहेंगे वैसे लोगों को चलाएंगे, दोस्तों ये वो क्षण है जब इन्हीं चीजों की अग्नि परीक्षा होगी कि भारत में लोकतंत्र की क्या शक्ल होती है, क्या आकार लेता है लोकतंत्र, क्या वाकई लोकतंत्र एक जीवंत, एक प्रक्रिया के तौर पर, एक पद्धति के रूप में हमें उपलब्ध रहता है या नहीं रहता है। कुल मिलाकर बिल्कुल अंत में एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है, इसे इस रूप में नहीं होना चाहिए था, इसको पहले दूसरे तीसरे दिन के अंदर ही सरकार को एड्रेस करना चाहिए था सारे इश्यूज को निपटा करके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक समाधान तैयार कर लेना चाहिए था। ये जो चीजें हाथ से फिसली हैं शासन के, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो नेतृत्व है सरकार का, वो इसके लिए निश्चित रूप से इतिहास में जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कुछ हालात खराब होते हैं देश के, या आवाम के ऊपर अगर कोई समस्या या कोई भी दमन चक्र ढाया जाता है ऐसी स्थिति में। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.